फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप बत्रा और आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्राई मैट्रिक्स मीडिया पे। तो आप जानते हो कोरोना की ग्रोथ के बाद स्टॉक मार्केट और मनी मार्केट के अंदर कितना ज्यादा बूम आया है और रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। अगर 2020 से पहले ओनली 2 करोड़ डीमेट अकाउंट थे, आज 2022 के अगर आप आंकड़े देखोगे ये अकाउंट्स 9 करोड़ के भी पार पहुंच चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर कितनी स्पीड से मार्केट में एंट्री ले रहे हैं। साथ ही साथ एक और इन्वेस्टमेंट फील्ड है जिसका नाम है म्यूचुअल फंड, वो भी काफी स्पीड से ग्रोथ कर रहा है और वहां पर फंड मैनेजर अपने इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा रिटर्न बनाकर दे रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, यहाँ पर फंड मैनेजर अपने इन्वेस्टर्स को किस तरह से रिटर्न बना के। म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल है, आपको यहाँ से नॉलेज मिलती है, तो नीचे बेल आइकन का बटन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज की अपडेट कंटिन्यूअसली मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड एक कंपनी होती है जो छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स की अमाउंट को कंबाइन करके डिफरेंट सेक्टर्स लाइक इक्विटी, बॉन्ड्स और गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करके उनके लिए रिटर्न जनरेट करती है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे काम करती है, तो वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप एवरी मंथ 1000 रुपीज को इन्वेस्ट करना चाहते हो टॉप कंपनीज के अंदर लाइक ITC, टाटा मोटर्स, पर आप देखोगे तो आप ओनली 1 या 2 स्टॉक ही खरीद पाओगे। तो फंड मैनेजर क्या करते हैं, आपके जैसे छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स की अमाउंट को कंबाइन करके लाइक 1000 रुपीज आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और ऐसे छोटे छोटे 1000 इन्वेस्टर्स हैं तो उनकी टोटल अमाउंट 10 लाख रुपीज हो जाती है। तो वो इस अमाउंट को डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, जिससे आपको हर स्टॉक के अंदर छोटी छोटी यूनिट्स मिल जाती हैं और हर स्टॉक के अंदर आप एक इन्वेस्टर हो जाते हो। तो इससे आप कम अमाउंट के अंदर काफी सारे स्टॉक्स के अंदर अपनी होल्डरशिप ले सकते हो। आप लोग सोच रहे होंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कौन करता है, आपकी अमाउंट को मैनेज कौन करता है? तो ये कोई मशीन नहीं होती है, इसके लिए हर कंपनी ने अपने अपने फंड मैनेजर असाइन किए होते हैं। जो फंड मैनेजर रिटेल्स की इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई करके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न जनरेट करते हैं। साथ में ये इन्वेस्टर्स के फंड्स को मैनेज भी करते हैं और उनका रिकॉर्ड भी रखते हैं। नाउ यू विल थिंक कि कंपनीज अर्न कैसे करती हैं। बेसिकली एसेट अंडर मैनेजमेंट के थ्रू ये लोग कमीशन चार्ज करते हैं और हमारी सेल्स में से फंड मैनेजर कुछ परसेंटेज चार्ज करते हैं, जो डिपेंड करता है बेसिकली 0-2% की रेंज में लोग चार्ज करते हैं। तो कितना अमाउंट आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने के लिए यही सब कुछ था। म्यूचुअल फंड मार्केट काफी रिस्की है, तो प्रॉपर अपने ब्रोकर की एडवाइस से और रिसर्च करके इसमें इन्वेस्टमेंट करें। अगली वीडियो में हम म्यूचुअल फंड की कुछ बेस्ट स्कीम्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।